दोस्तों ध्यान दीजिएगा, काफ़ी सारे मैसेजेस आप सभी के व्हाट्सएप पर देखने को मिल रहे हैं कि सर हिमाचल प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट 2021 जो होगी उसके लिए कौन कौन से फॉर्म्स हमें तैयार करने चाहिए और जो फॉर्म्स फिलअप होंगे उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा एंड सो ऑन। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो ही बना दें। तो ध्यान देना, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, अगर आप ऑनेस्टली अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हो हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2021 के लिए तो कोर्सेज ज्वाइन कर लेना। अब देखना, नॉर्मल कोई भी कोर्स होता है किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन के द्वारा जो प्रोवाइड किया जाता है उसमें सिर्फ आपको स्टडी मटेरियल वगैरह दे दिया जाता है और बस आप खुद पढ़ लो, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स 5 से 10 सालों के हम आपको प्रोवाइड करेंगे और टेस्ट सीरीज़ होगी जिसमें 80 क्वेश्चंस के फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे। अगर आप नॉर्मल कोर्स परचेज करते हो तो 10-15 के आसपास ये टेस्ट मिल जाएंगे, लेकिन दोस्तों आप प्रीमियम कोर्स ज्वाइन करते हो 50 के आसपास आपको टेस्ट सीरीज़ मिल जाएंगी। तो अगर आप 50 के आसपास टेस्ट अटेम्प्ट करोगे तो कभी हो ही नहीं सकता कि आपको कहीं पर प्रॉब्लम आएगी। आप भलीभांति खुद को जान जाएंगे कि आप कितने पानी में हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस करना है आपको और कौन कौन से सब्जेक्ट्स के ऊपर नहीं। और इस कोर्स में आपको वीडियोस भी प्रोवाइड होंगे, रीजनिंग के हों, मैथमेटिक्स के हों या फिर बाकी जो भी होते हैं, हिंदी इंग्लिश एंड सो ऑन। तो ये सब कुछ आपको कोर्स में मिल जाएगा। पूरी जानकारी ले लेना व्हाट्सएप पर कि कितनी फीस रहेगी, कितनी वैलिडिटी रहेगी, पूरी फैसिलिटीज़ क्या क्या मिलेगी। 9816401767। अब ध्यान देना, कल 20 सितंबर 2021 को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी हिमाचल पुलिस विभाग ने और ट्विटर से मैंने इसको प्राप्त किया है, ट्विटर जो उनका अकाउंट है। तो इसमें बोला गया है हिमाचल प्रदेश पुलिस में 1334 पदों पर पुलिस आरक्षियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। दिनांक 1 अक्टूबर 2021 से ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2021 निर्धारित की गई है। अभ्यर्थियों की सुविधा एवं उनके मार्गदर्शन हेतु पूरे प्रदेश में 8 स्थानों पर हेल्प डेस्क, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सहायता कक्ष स्थापित किए गए हैं जिनका विवरण निम्न प्रकार से है। तो ये जो 8 हेल्प डेस्क हैं इनका अब फायदा क्या होगा दोस्तों, नियर बाय आपको जो भी पढ़ता है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही किसी भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, आपको कोई नॉलेज जो है वो अधूरा मिल रहा है कहीं से एंड सो ऑन, तो आप सीधा अपने नियर बाय जो हेल्प डेस्क है, सहायता कक्ष है, वहाँ पे पता करिए। तो यहाँ पे मैं लिस्ट बताता हूँ। सबसे पहले कांगड़ा में ये है, शिमला में ये है, ऊना में ये है, कांगड़ा में एक और है, मंडी में ये है, हमीरपुर में ये है, बिलासपुर में यहाँ है और सिरमौर में यहाँ है। तो जो भी आपको नज़दीक पड़ता है, जिस ज़िले से आप हैं उसके अकॉर्डिंग आप टाइम से वहाँ पहुँच जाना और इंक्वायरी कर लेना जो भी आपके डाउट्स क्वेरीज क्वेश्चंस हैं। उपरोक्त स्थापित सहायता कक्षों के माध्यम से अभ्यर्थियों को इस भर्ती प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि विज्ञापन अधिसूचना में दिए गए सभी निर्देशों को अच्छी तरह से पढ़ें और सभी जरूरी कागजातों के साथ ही आवेदन पत्र भरें ताकि आवश्यक सूचना आवेदन पत्र में जारी भरी जा सके। कोई भी अभ्यर्थी उक्त स्थापित सहायता कक्षों पर पहुंचकर आवश्यक जानकारी हासिल कर सकता है, परंतु इन सहायता कक्षों पर फॉर्म जमा नहीं होंगे, तो ऑनलाइन होंगे पूरी तरह, ऑफलाइन नहीं होंगे, ये इन्होंने यहाँ पे जाहिर किया है। और किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर लेना। यहाँ पे लिस्ट जो है 8 हैं टोटल ये सहायता कक्ष और देख सकते हैं आप ऑफिशियल ये नोटिफिकेशन है और मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड तो आप हमें भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैसेजेस काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं व्हाट्सएप पर, रिप्लाई थोड़ा लेट आएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट मैसेज अगर आपने किया है तो रिप्लाई ज़रूर आएगा। और बाकी कोर्सेज वगैरह की जानकारी तो आप ले ही सकते हैं क्योंकि पिछले साल भी हमने 100 के आसपास एस्पिरेंट्स जो हैं, 2019 की बात कर रहा हूँ, उनको कामयाबी दिलाई थी। और अगर आप उन स्टूडेंट से मिलना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, विभिन्न जिलों में हमारे स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय हिमाचल।